भदोही से चलकर आए श्री विष्णु यादव जी, क्योंकि दोनों कलाकार एकदम खाटी इलाहाबादी है, जंगबली भाई कंचन भाई जिनको आप लोगों ने सुना, तो थोड़ा से बदल के नए अंदाज में आप लोग थोड़ा बदल बदल प्रस्तुति आप लोग सुनते रहेंगे तो आप लोगों को भी ऊब नहीं लगेगा। तो बिरहा जगत की बहुत ही नामचीन हस्ती, बहुत ही अच्छे बिरहा गायक जिनको आप लोग मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से सुना करते थे, हमारे बीच में आए विष्णु यादव जी, मंच पर पहुंच रहे हैं। आप लोग एक बार भाई विष्णु यादव जी का ताली बजाकर स्वागत करते हैं, बहुत दूर से चलकर आए हमारे बीच विष्णु यादव जी। आवाज ठीक हो कवि जी? ना तनिषा जी, तना जने बैठल हुआ है आप लोग, हम बताइला दीनानाथ भैया कि आप लोग सुनवैया जोन होला, गवैया का माई बाप होला, गवैया का भगवान होला आप लोग, और जोन बजावे वाले होलन दीनानाथ भैया गवैयन का माई बाप होलन। ए पचे जेके चाहले जितना बढ़िया गवाई दे, अब जेके अगर चाहले पंकज बहू जेके चाहले खाली एक पत्ती बढ़ावा है तने ब्लास्ट हो जाए आवाज। और ये देखे आदरणीय परम पुजारी परम वंदनी श्री ओम प्रकाश सरोज जी, जवन पूर्वांचल ना बल्कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश की बड़ी जंगबाज बिरहा जगत की शेरनी, कही जाने वाली सोना सुहानी के आप ससुर हुआ। अब का कही, कुछ घर ऐसन होत जोन कहते कि भैया हम पतो उपाय के धन्य हो गए ना, तो बाबूजी तो हैं बदे खाली आपे बदे ना, हम तक कब ई गांव सोना सुहानी के पाई के धन्य हो गया। अगर बात अच्छी लगे ताली बजाए दीजिए, कोनो चार्ज नहीं बना, एक को जी भी नेट कटे तो हाफ चल, एक को एम भी नेट ना कटे ना जान ला, बहुत सारा पुरस्कार ई पैसा ना हो पंकज बाबू, ये आशीर्वाद हो हमें बदे मास्टर भाई कजियानी की पावन पवित्र वसुंधरा। वैसे कभी जी हम कही कि गांव का नाम हमें कैसे याद होए, तो जब सोना जी से बात भइल हम कहली तोहरे गांव का नाम कहे कि कजियानी, हमके गांव का नाम याद कैसे होए, हमके खाली कजिया याद रख, ओकरे आगे नी लगा दे तो गांव का नाम हमें याद हो जाए। लेकिन यहाँ गांव में बड़ा सीधा साधा बड़े सभ्य लोग आप लोग दिखा हुआ चरण बंदन हो। हम गायक कलाकार विष्णु यादव चकमान सिंह कांवल भदोही वसुंधरा से, और बिरहा जगत का कवि जी खेमराज कवि जी, बिरहा जगत का सबसे छोट गवैया, चाहे उम्र में कहले और चाहे जिथाम दे सबसे छोट गवैया है। तो से पूछा है अच्छा कौन लड़ाई झगड़ा करत थे, हम कहते हैं लड़ाकू गवैया भी है अच्छा बिरहा में तब सही कहते है। मास्टर भाई दो लाइन का स्तुति। भगत 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 भगवान
नाम चतुर बकुलेक तिनके पग बंदन करूं अब ना सही घन हरण मंगल करण अब स्वामी जी महाराज प्रथम नमन है आपको अब राखो हमारी लाज मझधार जीवन कन्हैया का सदगुरु आप ही खेवनहार चरण कमल पे शीश धरूं बिन माऊं बारंबार बाह पकड़ मोहे उबार दीजिए हे सदगुरु सरकार कजियानी गांव का नाम ले में कुछ गलती हो जाए क्षमा कर जाए कजियानी की पावन पवित्र व सुंदरा पर आदरणी बिराहा जगत की शेरनी कहे जाने वाली सोना सुहानी कही कहा है दादी माँ दादी माँ नहीं हमारे यहाँ थोड़ा सा फर्क हो जाए सोना सुहानी जी का ही सास जी हैं सास का सास जी आप बहादुर कहा ना यही फर्क हो इस सास सोना सुहानी का सास आज इनकर तेरहवीं के पावन पवित्र बेला पर विराहा का कार्यक्रम देखा यही सच्चाई हो भाई संदीप भाई यही सच हो सबके जाए कहो एक जने से कहली 18 साल का लड़का रहल कहे हम कहे सबके जाए खो तो कह तो जाते न तही के रोके बा हमके एकर मतलब ना तो हर एक समय आए कहे पागल अब उकर तो 18 साल के जवानी चढ़ी है ओके तो समझे तो भाई बड़ा लूटपाट हमें करे खो हम कहे बच्ची सबके जाए के हो सबके निरानी के समय आए शरीर जब काम न करे लगे जब लटके लगब तब जनबे आप लोग सब कलाकार यहाँ बैठल हुआ केहू के कुछ बतावे का समझावे का जरूरत परसों कार्यक्रम रहल दीनानाथ भैया हिंदुस्तान का बड़े उभरते हुए गुरु घराने से गणेश गुरु घराने से हिंदुस्तान का नंबर वन कभी गया गुरु जी उनके लड़का के बिया रहल दीनानाथ भाई वहाँ धर्मेंद्र सोलंकी मनीष लाल ऐसन कोनो कलाकार ना रहलन आयल रहना हम कहली कि भैया 30 दिन में 47 कार्यक्रम गैली है धर्मेंद्र सोलंकी हमें नीचे से ऊपर तक देखा था कहे 30 दिन में 47 कार्यक्रम हमके शरीर देखा हमारे शरीर जिन जाया कहा ये तो पॉसिबल नहीं है हमके हमार त्योहार लगी 10,000 रुपये एक बाजी तो कार्यक्रम देखा कल तक भी रहल दीना भाई के रहल हमार भी रहल आज आज भी लाला चाय रस्ते में गवैयन का सबसे बड़ा लालच प्रोग्राम अगर आई गया तो कहते हैं चला गाय लेवल जाए यार बैठे से अच्छा लेकिन हम कहली कि भाई जाए के हो आज प्रोग्राम ना करे खो तो जाला बोले पत्यावक जरूरत ना वंदना दुदू जने से सुन ला ग्रहा जगत के बड़े सुंदर गायक पहली बार मुलाकात हो कंचन यादव जी से कहलन की इलाहाबाद के लोग कहीं कहीं हमें भाई बकरी के बल बकरा बना देवे लेन पहले गवावे लेन लेकिन हम कहला कंचन भैया पूरे इलाहाबाद की वसुंधरा में सबसे पहले गीत संगीत को शुरुआत करके महफिल को बांधने का पावर महफिल का बांधने की कला पूरे इलाहाबाद जगत में सिर्फ और सिर्फ आपके पास है इसलिए मैं चाहूंगा कंचन यादव जी के लिए एक जोरदार ताली पहले गावे जिनके तैयार हो पहले कहीं यार तू गाय देते तू
तू शुरू कह देता सब चाहत हो कि महफिल सजी रहे तब अपन हम वही जमाई दा। लेकिन आप इकलौते ऐसे कलाकार जो पहुंच के महफिल को बांधने का काम बड़े बेबाकी के साथ। तब वंदना उंदना तो कुल हो गए हो मास्टर भैया यहाँ ज्यादातर। ये अमनन का दुर्भाग्य कह चाहे सौभाग्य कि लाला नगर भदोही के वसुंधरा से पंधारी दीदार रहलन हमनो दोनों गवैया वही जिला से। लेकिन गहराना थोड़ा सा चेंज भइल। लेकिन कभी जी बतौलन कि अखाड़ावाद ना हो बिरहा में परिवारवाद हो। ये ना हो कि फलाने खाड़े से ने फलाने खाड़े से पंधारी दीदा वंदना में शुरू शुरू में दुई लाइन गावे मास्टर भाई।